जय हिंद। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? तो आज हम आ गए इस चैप्टर, जो स्टैटिस्टिक्स बेसिक इंट्रोडक्शन का जो क्लास, जो सीरीज चल रहा है, इसके अंदर का लास्ट एपिसोड लेके। तो आज है लेक्चर नंबर 8। तो इसी के अंदर, इसी के साथ साथ आज ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन का जो सीरीज है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। और स्टार्ट करने से पहले, जो भी आज तक जितना क्लास हुआ, तो इसका जो जो 7 एपिसोड है, सबको मैंने प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया है। तो आप उस प्लेलिस्ट को देख के पूरा का पूरा स्टडी कर सकता है, और प्लेलिस्ट को पूरा शेयर भी कर सकता है आपके जो फ्रेंड्स वगैरह जो भी है। तो बस इतना इन्फॉर्मेशन देना था। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी डाउट है तो अगर अच्छा भी लगा तो उसको कमेंट कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 8 के अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे, उसका नाम है फ्रीक्वेंसी डायग्राम। तो फ्रीक्वेंसी डायग्राम को इधर डिवाइड किया गया तीनों डायग्राम में। जो पहले वाला है हिस्टोग्राम, जो सेकेंड है पॉलीगॉन एंड ओगिव। तो हिस्टोग्राम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है इक्वल सी आई, सी आई के मतलब आपको पता ही होगा, सी आई दैट मीन्स क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ओके, एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल। पॉलीगॉन को भी दोनों पार्ट पे तोड़ा गया, एक विथ हिस्टोग्राम, एक विदाउट हिस्टोग्राम, और ओगी का कुछ अलग पार्ट नहीं है। तो चलिए पहले जान लेते हैं हम इक्वल हिस्टोग्राम के अंदर जो पार्ट है इक्वल क्लास इंटरवल वो क्या होता है। तो उसको हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। तो इधर दिया गया कुछ मार्क्स, 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30 करके 60 to 70 तक, और उसका दिया गया फ्रीक्वेंसी। तो चलिए इसको और कुछ नहीं, बस एक एक्सिस में डाल के इसका जो डायग्राम होता है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो इधर हम ले लेते हैं एक एक्सिस ऐसे करके, इधर आ गया इसका एक्सेस 0, इधर एक्स, इधर वाई। अच्छा, तो इधर हम लेंगे जो फ्रीक्वेंसी है उसको, और इधर हम लेंगे जो जो हमारा मार्क्स है। तो इधर 0 से 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, और इधर हम ले लेंगे फ्रीक्वेंसी जो 4 से स्टार्ट होता है। तो चलिए इसको 4 से स्टार्ट करते हैं और लेके जाएंगे 4, 8, 16, 20, 24 तक, एक रिदम में इसको लेना है। तो ऐसे करके हुआ हमारा ये दोनों एक्सेस का पॉइंट आउट। तो इधर हम ले लिए फ्रीक्वेंसी वाला, इधर हम ले लिए मार्क्स वाला। तो चलिए अभी हम पॉइंट करते हैं इसको। तो कैसे करेंगे पॉइंट, 0 से 10 तक है 5, फ्रीक्वेंसी है 5। तो जो 10 नंबर वाला है 0 से 10, मतलब इधर से इधर वाला जो आएगा वो आएगा, उसका फ्रीक्वेंसी है 5। तो 4 से थोड़ा सा ऊपर का हम ले लेंगे इधर 5, सॉरी सॉरी, ये बनेगा, ये हो गया आपका 5, 5 फ्रीक्वेंसी वाला बार। इसके बाद जो है 10 से 20 तक, तो 10 से 20 तक अभी हम बनवाएंगे, कितने तक, 12 तक। तो 12 तक बनाएंगे हम 10 से 20 तक, तो इसको क्या कहेंगे 10 से 20 तक। तो इधर से इधर का कैलकुलेशन आएगा, 10 से 20 तक हम 12 तक इसको खींचेंगे ऐसे करके, और 12 तक एक पिलर बनवा देंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 20 से 30 तक है 15। तो इधर से हम 20 वाला जो पिलर है, इधर से हम बनवाएंगे 15 फ्रीक्वेंसी वाला एक पिलर। तो 16 से थोड़ा सा नीचे होगा ये, और इसको हम 30 के अंदर डाल देंगे ऐसे करके। फिर आ गया 30 से 40 तक फ्रीक्वेंसी 20। तो 30 से हम लेंगे जो फ्रीक्वेंसी है इसका 20, तो इसको 20 तक खींचेंगे ऐसे, इसको 20 तक ऐसे करके खींचेंगे हम, और 20 तक ही लेंगे, और इसको हम अभी एक बनवा देंगे एक और पिलर, ओके। 40 से 50 तक है पिलर 12, फिर से ये वाला 12 आ गया 40 से 50 तक,
इतना होगा, हाँ ऐसे हो गया 40 से 50 तक, 50 से 60 तक है आपका फ्रीक्वेंसी 8, तो 8 तक लेंगे हम ए वाला इतना तक, तो फ्रीक्वेंसी हम ऐसे बनवाएंगे 50 से 60 एंड 60 से 70 तक है 4 नंबर, तो 4 नंबर वाला चलिए इतना ही होगा इतना। तो ऐसे हम बना सकते हैं जो इक्वल क्लास इंटरवल वाला जो हिस्टोग्राम का जो डायग्राम है वो दिखने में ऐसे होता है और उसको तैयार किया जाता है ऐसे, तो इसको समझने में कुछ दिक्कत वाला पोर्शन नहीं है। तो चलिए अभी हम जान लेते हैं कैसे अनइक्वल क्लास इंटरवल तैयार करते हैं। तो अभी हम लेंगे ये वाला जो एग्जांपल है इसी को हम करके दिखाएंगे अनइक्वल, नहीं सॉरी ये अनइक्वल जो है वो ऐसे नहीं बनेगा। तो अनइक्वल के लिए चलिए हम बनवा लेते हैं एक और एग्जांपल। तो अभी हम इधर कवर करेंगे अनइक्वल वाला जो पोर्शन है, तो अनइक्वल के लिए हम अभी एक क्लास इंटरवल ले लेते हैं ऐसे करके, और उसका फ्रीक्वेंसी भी जो है वो भी ले लेते हैं। अनइक्वल क्लास इंटरवल इधर बनेगा जैसे करके 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 40 से 60 और 80। अच्छा तो इसका फ्रीक्वेंसी भी हम ले लेते हैं इतना तक, तो आपका जो इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी गिवन है। तो एक इधर देखिए, इधर जो क्लास इंटरवल है वो अनइक्वल है, 10 से 15 डिफरेंस का है 5, 15 से 20 डिफरेंस का है 5, 20 से 25 डिफरेंस का है 5, 25 से 30 डिफरेंस का है 5, 30 से 40 डिफरेंस का है 10, 40 से 60 डिफरेंस का है 20, 60 से 80 डिफरेंस का है 20। तो इधर ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है ये क्या, ये अनइक्वल है। तो अभी हम इसको, तो पहले क्या, जब ऐसे करके कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा तब हमको बनवाना पड़ेगा अनइक्वल क्लास इंटरवल वाला हिस्टोग्राम जो डायग्राम होता है। तो पहले तो इसका डिफरेंस हमको निकलना है, तो इसको हम ऐसे करके लिखेंगे डिफ, डिफ मीन्स डिफरेंस। तो डिफरेंस में क्या आता है, पहले वाला आता है 5, फिर वो भी 5, फिर ये भी 5, फिर ये भी 5, फिर इधर आ गया 10, फिर इधर आ गया 20, इधर आ गया अभी फिर 20। तो इतना तो बन गया अभी। तो अभी इसको प्लॉट करने के लिए इसको इसको भी हम ऐसी एक एक्सेस में लेके इसका भी एक ऐसी डायग्राम बनवाएंगे। तो इसके लिए पहले आपको कैलकुलेशन, पहले आपको जानना है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फैक्टर्स। तो कैसे होता है इसका एडजस्टमेंट फैक्टर्स वो भी हम जान लेंगे, और इस और एक और चीज जानना पड़ेगा जो है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। इन दोनों का कैलकुलेशन कैसे होता है चलिए जान लेते हैं। तो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है, एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला है क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाई लोएस्ट क्लास इंटरवल, लोएस्ट सीआई। ओके, तो क्लास इंटरवल इधर का क्या है, तो इधर का भी जो क्लास इंटरवल है वो है जो लोएस्ट क्लास इंटरवल है। आप देख सकते हैं इधर लोएस्ट क्लास इंटरवल कितना है, 5, लोएस्ट क्लास इंटरवल है 5 तक। और जो क्लास इंटरवल इधर का है अभी जो गैप मिला वो कितना है 5, तो इधर क्या आएगा 5। फिर से जो लोएस्ट लोएस्ट क्लास इंटरवल ये फिक्स्ड है, ये क्योंकि इधर से जो डिफरेंस में आया सबसे लोएस्ट वाला डिफरेंस कौन सा है, तो लोएस्ट वाला डिफरेंस है 5, तो इसी को हम बोलेंगे लोएस्ट क्लास इंटरवल। और जो क्लास इंटरवल जो मतलब कि हर एक क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है, तो इधर क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है पहले वाला क्या कितना है 5, उसके बाद वाला कितना है 5, तो लोएस्ट क्लास इंटरवल होगा इधर फिर भी 1, 5 डिवाइडेड बाय 5, इधर भी 5, इधर भी 5, तो ये फिर से आएगा 1, और ये भी 5, तो ये भी 5, तो ये फिर से आएगा 1। तो क्लास इंटरवल क्या है, हमारा जो डिफरेंस है वही है डिफरेंस
ऐसे डिफरेंस हम बता दिए, और जो लोएस्ट क्लास इंटरवल है वो भी है ऐसे करके 5। तो लोएस्ट क्लास इंटरवल अभी आ गया 10, तो क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या आएगा 2, 20 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या कितना आएगा 4, ये भी आएगा 4। ऐसे करके हम हमारा बन गया एडजस्टमेंट फैक्टर। तो इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, इसी को हमको प्लॉट करना है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का भी एक फॉर्मूला है जो है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर्स, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर्स। तो फ्रीक्वेंसी कितना है 7, और उसको डिवाइड करना है कितना से 1 से, तो कितना आएगा 1, 10 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा 10, 27 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा 27, 15 डिवाइडेड बाय 1 तो कितना आएगा 15, 12 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आएगा 6, 12 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आएगा 3, 8 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आएगा 2। तो अभी हमको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और जो फ्रीक्वेंसी है इसको प्लॉट करना है एक एक्सेस के अंदर, तभी बन पाएगा जो अनइक्वल क्लास इंटरवल वाला जो फ्रीक्वेंसी डायग्राम वो। तो चलिए देख लेते कैसे हम करेंगे ये वाला प्लॉट। तो दोस्तों अभी हमने इधर ले लिया एक एक्सेस, तो इधर हम पहले इधर हम कॉपी करेंगे क्या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का जो है, तो इधर मिनिमम है 2 से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हमारा जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और जो हमारा इधर का है फ्रीक्वेंसी। तो जो सॉरी इधर हम प्लॉट करेंगे क्लास इंटरवल, और इधर हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का जो पार्ट है वो हम कवर करेंगे इधर। तो चलिए देख लेते हैं, तो इधर हम कवर करेंगे क्लास इंटरवल, तो कहाँ से स्टार्ट होगा 0, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। इसको थोड़ा और लंबा कर लेते, एट्टी फाइव, सिक्सटी, सेवेंटी, सेवेंटी फाइव एंड एट्टी। और इधर हम प्लॉट करेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का जो देख रहा है कि ये स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो पहले चलिए देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का प्लॉट कितना से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इधर हम स्टार्ट करते हैं 0, 4 से स्टार्ट करते हैं इसको, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, तो इतना तक तो हमने ले लिया। तो चलिए अभी प्लॉट करते हैं इसको पूरा बैठ के। तो जो 0 से 10 है, तो जो 10 नंबर वाला है उधर का, तो इधर हमें तो इतना तो नहीं पता। अच्छा एक और लेना हम भूल गए क्या, एक 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 और इधर हम ले लेते हैं 5, इधर हम 0 ले लेते हैं 5। तो 5 से इधर तक तो हमारा जो क्लास इंटरवल स्टार्ट होता है वो 10 से 15 से, तो 10 15 का जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वो कितना है, वो है 7। तो इधर है 8, तो इसके ठीक नीचे वाला पोर्शन है 7, तो ये बन गया आपका 7। फिर 15 से 20 तक जो आता है वो इसका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितना है 10, तो ये है 12, तो 12 का थोड़ा सा नीचे बनेगा 15 से 20 तक। फिर 20 से 25 तक का जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हुआ 27, तो 27 का क्या बनेगा, 20 से 25 का जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी उसका बनेगा 27, तो ये 28 का थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन में होगा, तो ये बन गया 27। फिर 25 से जो 30 तक है वो बनेगा 15 तक, तो 15 क्या इतना 16, ठीक बिल्कुल नीचे।
फिर 30 से 40 तक, तो 30 से 40 तक जो है वो बनेगा उसका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 6। तो फ्रीक्वेंसी 30 से 40 तक का जो होता है वो है 6। तो 6 क्या होगा, 8 से थोड़ा नीचे होगा, ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 40 तक। फिर 40 से 60 तक क्या है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3। तो चलिए इसको भी हम 4 के थोड़ा से नीचे बनवा लेते हैं, 40 से 60 तक, ये बन गया 40 से 60 तक। और 60 से जो 80 तक है वो उसका है 2। सो 2 इसके भी थोड़ा सा नीचे से होगा, तो ये बन गया 2। ओके, तो ऐसे करके प्लॉट किया जाता है। चलिए एक बार हम फिर भी पुट कर लेते हैं, इधर 7, इधर 10, इधर 27, इधर 15, इधर है 6, इधर 3, इधर 2, ऐसे करके प्लॉट किया जाता है अनइक्वल क्लास इंटरवल वाला जो हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डायग्राम। तो इसको हम ऐसे करके प्लॉट करते हैं। तो